ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना, उनका तर्पण करना, उनके नाम से पिंड दान करने का खास महत्व होता है। इसी तरीके से पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय एक विशेष फूल का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है श्राद्ध कर्म का कार्य इस फूल के बिना अधूरा होता है। श्राद्ध कर्म में कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करने की मनाही होती है, क्योंकि ये फूल पूजा में इस्तेमाल होते हैं। श्राद्ध कर्म की पूजा और घर की पूजा जो हम डेली पूजा करते हैं वो अलग अलग होती है, और इनमें अलग अलग फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन फूलों का इस्तेमाल हम डेली पूजा में करते हैं उन फूलों का इस्तेमाल श्राद्ध कर्म में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में किन फूलों के बिना श्राद्ध कर्म की पूजा अधूरी मानी जाती है, और कौन से ऐसे फूल है जो हमें श्राद्ध कर्म में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन फूलों का इस्तेमाल करने से हमारे पितृ प्रसन्न होने की बजाय हमसे नाराज होते हैं, जिसके कारण घर में कलह क्लेश होता है, हमारे बने बनाए काम रुक जाते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष 16 दिन चलते हैं, और इन 16 दिनों में किसी भी शुभ काम को करने की मनाही होती है। भादो माह की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध कर्म शुरू होते हैं, अश्विन माह की अमावस्या तक पितृपक्ष चलते हैं। इन दिनों पितरों के नाम की पूजा पाठ, श्राद्ध कर्म, तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। कहा जाता है 16 दिन पितर अपने वंशजों के बीच होते हैं, धरती पर होते हैं। उनके द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म से प्रसन्न होकर पितृ उन्हें वंश वृद्धि का, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होंगे और इनका समापन 14 अक्टूबर को होगा। इस दौरान कुछ फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फूलों के इस्तेमाल से हमारे पितृ नाराज होते हैं। कोई भी पूजा पाठ करते समय हमें अपने धर्म ग्रंथों से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। उसी तरीके से श्राद्ध की पूजा अन्य पूजाओं से काफी अलग बताई जाती है। कहा जाता है श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। पितृपक्ष में हर फूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण में अलग फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कांस के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। पितृपक्ष के श्राद्ध पूजन में मालती का फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जूही, चंपा या सफ़ेद रंग के फूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस दौरान भृंगराज या तुलसी का इस्तेमाल श्राद्ध कर्म के दौरान नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान तर्पण के दौरान बेलपत्र का, कदम का, केवड़ा या लाल या काले रंग के फूल का प्रयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि यदि आप इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो पितृ इन्हें देखकर नाराज हो सकते हैं, निराश होकर लौट जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान इन फूलों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति को पारिवारिक कलह क्लेश, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, हमारा वंश आगे बढ़ने से रुक जाता है। तो शास्त्रों में, पुराणों में कई जगह चीज़ों का जिक्र मिलता है कि पितृ तर्पण के दौरान कांस के फूल का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। कई पुराणों में इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ तर्पण करते समय आपको कुश के फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से हम जल तर्पण करते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, उसमें काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से तर्पण के दौरान आपको फूल का भी ध्यान रखना चाहिए कि कुश के फूल का इस्तेमाल करें। पितृ तर्पण में कांच के फूल का उपयोग होना आवश्यक है। कहा जाता है ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जब हम जल देते हैं, वैसे तो हम जल पूर्व दिशा की ओर मुख करके देते हैं, लेकिन जो हम पितरों के नाम से जल देते हैं वो हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देते हैं। पितरों के नाम से हम भोजन का अंश जीवों के लिए निकालते हैं, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए। कहा जाता है जब ये जीव भोजन को खा लेते हैं, हमारे हाथ से अगर इन्होंने एक अंश भी खाने का खा लिया, तो कहा जाता है ये खाना हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसका अर्थ होता है कि हमारे पितरों ने खाना खा लिया है, वो हमसे प्रसन्न है और हमें सुख समृद्धि का, वंश वृद्धि का, आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप इन फूलों का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें जो आज के इस वीडियो में बताए गए हैं, और कांच के फूल का इस्तेमाल तर्पण के दौरान, काले तिल का प्रयोग जल तर्पण के दौरान जरूर करें। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।